92.7 बिग एफएम पर मैं हूँ मधुरिमा निगम और आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ और सुरों की मलिका लता मंगेशकर जी के साथ। कुछ पन्ने जिंदगी के। दीदी, आपको गाना गाना तो बहुत पसंद था, पर आपने कभी स्कूल या पढ़ाई को मिस किया? पढ़ाई का तो मेरा बहुत अजीब किस्सा हुआ कि मैं स्कूल गई पहले दिन और मैं बहुत छोटी थी और मास्टर जी ने कहा कि तुमको 10 में से 11 मार्क है वगैरह वगैरह, और मैं बहुत खुश होकर घर आई। और मैंने दूसरे दिन क्या किया कि आशा को उठाया और मैं आशा को ले गई आशा स्कूल में। वो 6-7 महीने की थी। अच्छा, इतनी छोटी थी। अच्छा। तो मास्टर जी जो थे उन्होंने कहा कि यहाँ बच्चों को लाना मना है, तो बच्चों को नहीं लाना। तो मुझे बहुत गुस्सा आया क्योंकि मुझे ना ये था कि मैं मास्टर दीनानाथ की लड़की हूँ और उनका बहुत नाम था और उनकी कंपनी थी, और तो मुझे वो लगता था कि उनके बेटी को ये कैसे कहा मास्टर ने। अच्छा, इतने पागलपन था वो। पर मैंने माँ को आके कहा मैं नहीं जाऊंगी स्कूल में। अच्छा। उन्होंने ऐसे कहा कि आशा को नहीं लाना दोबारा ऐसे। मेरी मदर ने कोई इतना ध्यान नहीं दिया। आपको मालूम है ना, आज से 80-90 साल पहले, 80 तो डेफिनेटली, अगर कोई ये कहे कि लड़की नहीं पढ़ना चाहती तो वो कहते थे कि हाँ लड़की बढ़ के क्या करेगी, बड़ी होके जाके शादी करके जाएगी, वहाँ खाना पकाएगी। अपने पिताजी के देहांत के बाद लता जी को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ ऐसे ही पन्नों को जानेंगे बहुत जल्द। कुछ पन्ने जिंदगी के।